सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज एडीआर की एक रिपोर्ट पर अपनी बात कहने के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस बार ये रिपोर्ट कोई उन्होंने अपने रिसर्च मात्र से नहीं बल्कि चुनाव आयोग में जो कांग्रेस और बीजेपी ने अपना लेखा जोखा जमा किया है उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। यानी ये रिपोर्ट ऐसी है जिसकी संपूर्ण जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग को है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने, एक पार्टी ने 459 करोड़ रुपए, बीजेपी ने और कांग्रेस ने 167 करोड़ रुपए की राशि ऐसी बताई है जो अज्ञात सोर्सेस से है, जो अननोन सोर्सेस से है, जिसका आता पता नहीं है। आपको याद होगा चुनाव आयोग ने बहुत सक्रियता और बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी के मसले में अपनी जांच शुरू की थी। जब आम आदमी पार्टी के 2 करोड़ के चंदे पर विवाद खड़ा किया गया, जो चंदा हमने चेक से लिया था, जो चंदा डिक्लेयर्ड चंदा था, जो चंदा जानकारी में था कि किसने दिया है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार ये आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया कि ये 2 करोड़ का चंदा गलत ढंग से लिया गया है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री तक ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव की रैली के दौरान उस चंदे के ऊपर सवाल उठाया, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई न तो सरकार न ही चुनाव आयोग कर पाया। और इसके बाद दोनों पार्टियां मिलकर, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव आयोग में जाती हैं और दोनों पार्टियां कहती हैं कि भाई इस चंदे के कारण आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए, इस पार्टी का तो अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी का सच आज सामने आया है, 459 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेस से बीजेपी को किसने दिया, कौन है वो लोग जो 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि दे रहे हैं और कोई अता पता नहीं है उनका, कौन है वो लोग जो 167 करोड़ रुपए कांग्रेस को दे रहे हैं और उसका अता पता नहीं है, इसकी जानकारी कौन देगा देश को? और अगर ये पूरी जानकारी चुनाव आयोग के पास है तो आम आदमी पार्टी का प्रश्न है कि क्या इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग ने इनकम टैक्स विभाग से कोई जांच कराई? दूसरा हमारा प्रश्न है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर अब तक क्या कार्रवाई चुनाव आयोग ने की? तीसरा हमारा प्रश्न है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हाई कोर्ट में इनके खिलाफ मार्च 2014 को बीजेपी और कांग्रेस को दोषी पाया गया था विदेशी चंदा लेने के मामले में, और उस पूरे मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट गई कांग्रेस और बीजेपी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई स्टे देने से, कोई राहत देने से मना कर दिया और दोषी पाया इस बात के लिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने विदेशी चंदा लिया है। उसके बाद हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, यानी ऐसा कानून बनाकर जो पहले से प्रभावी हो जाए, ऐसा कानून बनाकर FCRA में बदलाव करके इस सारे विदेशी चंदे को वैध घोषित करा दिया। तो इस पर चुनाव आयोग ने अब तक क्या किया? और चौथा प्रश्न है कि हैज द इलेक्शन कमीशन प्रोवाइडेड एग्जेम्पशन टू बीजेपी एंड कांग्रेस अंडर सेक्शन 13A
ऑफ द आईटी एक्ट फॉर दिस ह्यूज अमाउंट रिसीव फ्रॉम अननोन सोर्सेज? क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को सेक्शन 13A के आईटी के सेक्शन 13A के तहत एग्जेम्पशन दे रखी है, छूट दे रखी है कि इस तरह की वो विशाल धनराशि, एक बड़ी धनराशि ले सकें? ये चार प्रश्न चुनाव आयोग से हमारे हैं और हम लोगों ने चुनाव आयोग से मिलने का समय भी मांगा है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से शिकायत भी करेंगे, मिलकर भी शिकायत करेंगे, लेकिन आज देश के चुनाव आयोग पर और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा जो लेखा जोखा दाखिल किया गया है, जो पूरा अपना खर्च दिखाया गया है 2015-2016 के लिए जो चुनाव आयोग के पास है, और उसमें 459 करोड़ रुपए बीजेपी और 167 करोड़ रुपए कांग्रेस, लगभग 80% बीजेपी का और लगभग 25% कांग्रेस का, 70% कांग्रेस का अननोन सोर्सेस से पैसा दिखाया गया है, इस पर चुनाव आयोग ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठते हैं। जो चंदा मिला है इन पार्टियों को 570 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला है, 261 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिला है 2015 और 16 में, और 570 करोड़ रुपए जो मिला है ये सारी राष्ट्रीय पार्टियों का 55% पैसा अकेले बीजेपी को चंदा मिला है। 570 करोड़ रुपए की धनराशि, सारी राष्ट्रीय पार्टियों का 55% यानी आधे से ज्यादा चंदा, राष्ट्रीय पार्टियों का आधे से ज्यादा चंदा अकेले बीजेपी को मिला है। इसी प्रकार से कांग्रेस को 261 करोड़ रुपए मिला है, तो सारी राष्ट्रीय पार्टियों का लगभग 25% पैसा कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो इन दोनों पार्टियों को मिला लिया जाए अगर, तो करीब 80% टोटल जो राष्ट्रीय पार्टियों को चंदा मिला है, 80% चंदा, 55% बीजेपी को और 25% कांग्रेस को, 80% चंदा टोटल धनराशि का इन्हीं दो पार्टियों को मिला है। और इन्हीं दो पार्टियों का मैंने आपको बताया कि 459 करोड़ रुपए और 167 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेस से है। ये सारा कागज इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन अब तक इस पूरे मसले पर खामोश क्यों है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की उसने? देश की मीडिया को, देश की जनता को, लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को इसका जवाब उसको देना चाहिए। आज पूरे देश के अखबारों में, मीडिया में गौरी लंकेश की हत्या की खबर प्रमुखता के साथ है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी प्रश्न उठता है कि इसके पहले जो पत्रकारों की हत्या हुई, चाहे वो उत्तर प्रदेश के जोगेंद्र सिंह का मामला हो, चाहे राजीव रंजन के सिवान का मामला हो, चाहे झारखंड में पत्रकार की हत्या का मामला हो, या फिर कालबुर्गी की हत्या का मामला हो, या फिर राजेंद्र पंसारे, गोविंद पंसारे और डाबोलकर का मामला हो, इन सारे मसलों पर आज तक ना तो जांच में, ना ही कोई सरकार के द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई की गई जिससे पत्रकारों के मन में ये विश्वास पैदा हो कि भाई सरकार और सत्ता, ऐसी घटना अगर होगी तो उस पर कोई कार्रवाई करेगी। मैं आज पढ़ रहा था, किसी भी मामले में, तीनों हत्याओं में, पंसारे, कालबुर्गी और
दाभोलकर तीनों हत्या के मामले में दोषियों की एक मामले में गिरफ्तारी हुई समीर गायकवाड़ की, जिसकी जो जमानत पर रिहा होकर आज बाहर घूम रहा है। बाकी दो हत्याओं में वही लोग शामिल हैं, उसके तमाम प्रमाण और साक्ष्य हैं, सीबीआई तक जांच कर रही है, लेकिन दोषियों को ना तो पकड़ा गया है ना तो सजा मिल पाई है। तो अब ये मौका है सोचने का, कल इसके ऊपर प्रेस क्लब में तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने और पूरे देश की मीडिया ने बहुत चिंता जताई कि ऐसा कुछ हो रहा है देश के अंदर, बोलने की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है, लिखने की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मीडिया का ही एक वर्ग है जो ऐसे तत्वों को बढ़ावा देने का भी काम कर रहा है, ये भी गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे लोगों को भी अपनी कार्रवाइयों पर रोक लगानी पड़ेगी, वरना धीरे धीरे जिस प्रकार का समाज अगर बर्मा जैसे देश में बुद्धिस्ट अगर हिंसा पर उतारू हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि पूरी दुनिया किस ओर जा रही है, पूरी दुनिया किस तरह से हिंसा और नफरत की राजनीति का शिकार हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे मामले को हम लोग एक दिन के रस्म अदायगी के धरना प्रदर्शन आंदोलन और बयानबाजियों तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इस पर कोई ठोस पहल देश के अंदर राजनीतिक जमात हो, पत्रकारिता जगत हो, सबको एक सामूहिक रूप से एक ठोस पहल देश के अंदर करनी पड़ेगी।